नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं नेशनल हाईवे 44 से, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे। जी हाँ, एक ट्रक है, जो ट्रक बताया जा रहा है गेहूं से, अनाज से भरा हुआ है, वो पलट गया है। जी हाँ, ये ड्राइवर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, काफ़ी जो है चोटें भी इनको ज़रूर लगी हुई हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रक पलटा हुआ है, गेहूँ के कितने कट्टे आपको नज़र आ जाएंगे, बोरियाँ आपको जो है नज़र आ जाएंगी। नेशनल हाईवे 44 पर पलट जाता है, बताया जा रहा है सर्विस लेन से ऊपर की तरफ नेशनल हाईवे पर चढ़ते हुए ये हादसा हो जाता है, क्योंकि ऊंचा नीचा रहा। और इस तरह से यहाँ पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से ट्रक यहाँ पर पलट जाते हैं। फिलहाल जो है ड्राइवर को गनीमत रही है कि बहुत ज़्यादा चोटें नहीं हैं, जो है मामूली चोटें जरूर लगी हुई हैं, क्योंकि उनके हाथ पर भी और पैरों में भी बताया जा रहा है, और सर पर भी जो है निशान हैं चोटों के। तो देख सकते हैं कि बुरी तरह से नेशनल हाईवे के बीचों बीच जो है ये ट्रक पलट गया है, और यहाँ पर जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं कि पूरा जो है उलट चुका है। जी हाँ, उलट चुका है ट्रक। आपको जो है टायर अलग तरह से नज़र आ जाएंगे, दूसरी तरफ जो है टायर पलटे हुए, और सारा का सारा ट्रक ज़रूर पलटा है। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं ताकि दूसरा कोई भारी व्हीकल आता है तो उसको निकलवा सके, और कोई जो है हादसा यहाँ पर ना हो सके। जी हाँ, यह हादसा देख सकते हैं काफ़ी भयंकर ज़रूर रहा, पर फिलहाल जो है जान की किसी की हानि नहीं हुई है। और ये देख सकते हैं, ये वो जो रोड है काफ़ी टूटी हुई ज़रूर है। यहाँ से इस सर्विस लेन से जो है ऊपर की तरफ चढ़ते हुए ही ये ट्रक जो है पलट गया। जी हाँ, ये ट्रक पलट गया है। फिलहाल तस्वीरें हैं, रात है तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान ज़रूर हो सकता था अगर कोई और जो है व्हीकल इसके साथ टकरा जाता। फिलहाल कोई और व्हीकल आसपास उस वक्त नहीं था जब ये ट्रक पलटा। जी हाँ, ये देख सकते हैं तस्वीरें जो है, आपको इसके पहिए ज़रूर नज़र आ जाएंगे, टायर आप देख सकते हैं हवा में आपको झूलते हुए नज़र आ जाएंगे। बुरी तरह से ट्रक जो है लोडेड ट्रक था, जिसमें बहुत सी बोरियां लोडेड हैं, जिसमें बताया जा रहा है अनाज है। जी हाँ, वो सर्विस लेन और नेशनल हाईवे के बीचों बीच जो है पलट गया है। जी हाँ, पलट गया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोरियां इसमें लोडेड थी। जो है ड्राइवर मौके पर है, और ड्राइवर को भी चोटें ज़रूर लगी हुई हैं। देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं, अब जितना देख सकते हैं ये ड्राइवर है, इनके हाथ आप देख सकते हैं चोटें काफ़ी लगी हैं, हाथ पर लगी हैं, पैरों पर लगी हैं। ये काफ़ी कुछ इसका जो है टूटा हुआ भी नज़र है। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, HR 45B4395। जी हाँ, ये व्हीकल नंबर है, ट्रक का नंबर है। तो नेशनल हाईवे जो है 44 से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रात के वक्त इस तरह से सर्विस लेन से जब ऊपर की तरफ चढ़ा जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बुरी तरह से सड़क जो है टूटी ज़रूर हुई है, जिसके चलते ये ट्रक जो है पलट गया, बैलेंस नहीं बन पाया, ऊंचा नीचा जो है ज़रूर हो जाता है, जिसके बाद ट्रक जो है इस तरह से जो लोडेड ट्रक होते हैं वो पलट जाते हैं। यानी कि जब आप जो है अपनी लेन चेंज कर रहे हैं, तो जहाँ से सड़क टूटी हुई है वहाँ पर से लेन को चेंज ना करें, क्योंकि वहाँ पर इम्बैलेंस हो जाता है और ज़रूर जो है पलट जरूर जाता है। जी हाँ, पलट जरूर जाता है। एक बार जो है यहाँ पर लोग बहुत से मौजूद हैं, ये ड्राइवर हैं जिनको काफ़ी हाथों में भी चोटें हैं, सर पर भी चोटें लगी हुई हैं। ट्रक का जो सामान आपको दिख रहा होगा चारों तरफ, यह अनाज यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो थोड़ा बहुत जो है बोरियों से निकल गई है, जो बोरियाँ फट गई हैं उसका अनाज यहाँ पर ज़रूर फैल गया है। फिलहाल अब देखने वाली बात रहेगी कि कब तक इस रास्ते को क्लियर करवाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो है टूटी हुई है, तो इलाज के लिए तो ले जाना चाहिए था पहले। देख सकते हैं कहीं ना कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है उसको काफी चोट जो है लगी हुई है, फ्रैक्चर जो है हाथ में जो है सिर पर जो है चोट लगी हुई है, अभी इलाज के लिए जो है यहाँ पर से ले जाया नहीं गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको तमाम जो गेहूं की बोरी है वो नजर आएंगी। गेहूं आप देख सकते हैं सड़क पर जो है बिल्कुल बिखर चुका है, FCI गोदाम की जो है बताई जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है सारा गेहूं आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। जब यहां से गुजर रहे थे कि इस ड्राइवर को काफ़ी चोट लगी है, तो उन्होंने जो है इस ड्राइवर की
को जो है दवाई लगाई। आप फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है ये गेहूँ आना आप देख सकते हैं, सारा का सारा आपको जो है यहाँ पर नजर आएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सारा जो है इस समय यहाँ पर निखर चुका है। काफी जो है इस बार जो है गेहूँ काफी कम हुई है, कहीं ना कहीं किल्लत जरूर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं आपको नजर आएंगे। हालांकि जो पुलिस के कर्मचारी है वो यहाँ पर जरूर पहुंचे थे, मगर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ट्रक जो है वो यहाँ पर पलटा हुआ है। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रक जो है बुरी तरह से पलटा हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ और लोग सकते हैं ट्रक जो है बुरी तरह से पलटा हुआ है। मेरी गाड़ी पास हो गई थी, निकल गई थी, कार वाले ने एकदम से जो ब्रेक मारा गाड़ी एकदम बोला ले गई, बोला लेते के साथ चाली पलट गई, पलट के साथ बोला। तो क्या ज्यादा वजन था इसमें? नहीं ज्यादा वजन नहीं, 500-550 बोरी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? निशंग से आए थे यहाँ करनाल। करनाल करनाल जा रहे थे। तो किसका किसका माल है इसके अंदर? ये FCI का है। FCI का है, सरकारी है। तो बता दिया उनको ऐसे ऐसे हुआ है? तो पुलिस को भी नहीं बताया आपने? गेहूँ खराब हो रहा है यहाँ पर सारा। पुलिस वाले आए तो थे यहाँ पे ही हैं। क्या बोल के गए? कुछ नहीं बोले, कहने के चलो हम तो हैं अभी। तो लगता नहीं यहाँ पर गेहूँ खराब हो रहा है सारा? चोट भी लगी हुई है आपको? चार सेक्टर तो ट्रांसपोर्ट है उनकी। फ्रैक्चर है तो मैंने पता नहीं, फ्रैक्चर का तो पता नहीं है। जी जी। हैक नहीं है जी, तो इसलिए मैंने बोला भाई कॉलोनी आप यूज कर लो, कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स मिले हाथ के अंदर। तो फर्स्ट एड देने के लिए फोन किया? जस्ट इसी के लिए। तो यहीं से निकल रहे थे आप? हाँ, यहीं से बस निकल रहे। क्या कुछ रहा? हम तो पीछे थे, हम तो आ रहे थे अपनी गाड़ी से। हाँ हाँ। ये अब गाड़ी उल्टी पड़ी है, अनाज पड़ा रोड पे। हाँ हाँ। अब रोड को कुचलते हुए तो हम देख भी सकते हैं, किसी को खाते हैं भाई हमारा अनाज तो हमारा देखता है। तो इस अनाज की सेवा करवाओ साइड उठाने की, गाड़ी को खुनते हुए पैरों में खुनते हुए हम देख नहीं सकते। अभी सीने खाया करे भाया, जो भी है गाड़ी है जो रास्ता ब्लॉक करवाओ, हमको अच्छा ही लग रहा है। गाड़ी गंदगी हमारा पिस रहा है, ये तो मालिक ने करवाना चाहिए ना, मालिक ने खुद बताओ। टूटी फूटी गड्डी दे रहे बताओ, कम से कम ड्राइवर से गड्डी तो साफ सुथरी देनी चाहिए। जब भी गड्डी कामयाब होती है, पुरानी गड्डी कामयाब थोड़ी हो है। नहीं अब चोट लगी, पहले इलाज तो करा लीजिए, चोट काफी है। ज्यादा लग रही है, टूट रही है।